ट्रक खड़े हैं, एस मॉडल, डी मॉडल, टाटा के ही हैं टोटली ट्रक, और 1969 का मॉडल है, काफ़ी बढ़िया ट्रक है, यूनिक चलता है, बढ़िया मस्त चलता है ये। लो भाई नेक्स्ट जो अपना था आइटम ये था। लो भाई अब अगला दिन निकला, आज रात को यहीं रुका था बाजवाजी के पास, और अब निकल लिया अगली साइड में, और बाजवाजी आज का कुछ काम जा रहे हैं, नहीं तो पूरा दिन के साथ बड़ा मज़ा आता है बात करते रहे, हमारी तो बातें ख़त्म नहीं होती, सबसे बड़ी बात तो यही है, लगे रहते हैं कुछ ना कुछ। तो अब अगली साइड में जाएंगे भाई, अब आगे देखें क्या करना है, कुछ जाना है शायद, कौन सा गांव था वो, बोतना गांव में जाना, अब वहाँ पर हैं एक दो चीज़ें इन्होंने बताई है कि इनके रिलेटिव हैं वहाँ पर, उनसे भी मिल के और तब चलेंगे। अच्छा लगा जी, बहुत अच्छा लगा आपसे, और अपना रथ तैयार हो लिया भाई, दोबारा से कर रखे स्टार्ट, चलो अब निकलते हैं अगली जर्नी के लिए। लो भाई निकल लिया मैं बाजवाजी के वहाँ से, तो अब रास्ते में चल रहा था, पर एक चीज़ महसूस की मैंने खुद, यहाँ पर थोड़ा हाँ जैसे शांति सी है पूरा चारों तरफ दूर दूर तक, भाई ये लगा लो चाहे हम दिल्ली रह रहे हैं, दिल्ली के आसपास में है तो वहाँ ज़्यादा क्राउड है, तो देखो यहाँ पर ना रोड भी बिल्कुल साफ सुथरे, दूर दूर तक कुछ नहीं, अभी तो फिलहाल तो खेत खाली हो गए भाई, गेहूँ वगैरह कटे हैं ना कटिंग के बाद, पर दूर दूर तक एक अलग से महसूस हो रहा है, शांति, खाली खाली रोड, सब कुछ खाली खाली, तो एक अलग सा महसूस हो रहा है, मज़ा आ रहा है भाई। देखो ना कोई गाड़ी, ना और कुछ, ना कोई बाइक, ना और कोई शोर शराबा, ना पोल्यूशन, तो हर चीज़ का एक अलग मज़ा है। ये बरनाला से मैं जैसे बीचों गांव के रास्ते चल रहा हूँ, बोतना गांव जाऊँगा मैं अभी फिलहाल, बाजवाजी का गांव का नाम ध्यान नहीं आ रहा मेरे को, संघेरा कुछ ऐसा गाँव है, तो मैं गाँव के बीचों बीच चल रहा था मैं, 50-60 की स्पीड चलते रहो आराम से, कुछ नहीं, बिल्कुल शांति, दूर दूर तक बाइक भी बहुत कम, बाइक ट्रैफिक भी नहीं है, बिल्कुल शांति, एकदम मज़ा, ये एक आनंद अनुभव, मतलब अलग सी खुशी महसूस हो रही है, मेरे को तो हो रही है, बाकी चलो देखो जैसा भी है, सबकी अपनी अपनी पसंद है। चलो अब नेक्स्ट पॉइंट पर पहुँच के फिर दिखाता हूँ आप लोगों को। लो भाई नेक्स्ट जो अपना था आइटम ये था जीटर A25 या A20 ऐसा कोई 20A या 25A, जो भी ट्रैक्टर था विंटेज 1962 का मॉडल है, तो इसकी वीडियो बनाई थी, यहाँ पे मालिक तो नहीं मिल पाया, ये जो भी था भाई मालिक नहीं मिल पाया, इस कारण मैंने वैसे ट्रैक्टर वीडियो बना ली, यहाँ पे एक दो बंदा मिल गया, लेकिन इसको चलाने वाले दोनों बंदे मिल गए ट्रैक्टर को, तो उन बंदों से मिलवा देता हूँ आप लोगों को, जो इसकी देख रेख करने वाले हैं और चलाने वाले हैं वो दोनों बंदे मिल गए, तो उसके बारे में, ये तो अभी फ़िलहाल इनकी ट्रैक्टर देख रेख करते हैं यहाँ पर, और जो चलाने वाले बंदे वो यहाँ पर अपना चाय का आनंद ले रहे हैं। हाँ जी ट्रैक्टर चलाया आपने? हाँ जी। चलो बढ़िया है, इन्होंने चलाया 15 साल इन्होंने चलाया, और दूसरा बंदा जो था अपना चलाने वाला वो भी बाहर चले गए किसी काम से अपना काम के लिए, वैसे वो ट्रैक्टर लेके चले गए अपना, जैसे उन्होंने क्या था इसी ट्रैक्टर को चला के और कमा के अपना कनाडा चले गए, और साथ में दो ट्रैक्टर और खरीद लिए अपने खुद के भी, दो ट्रैक्टर ले लिए, ये इतना भगवान ट्रैक्टर है, और इसकी कंप्लीट वीडियो मैंने बना ली वो। चलो अब चलते हैं, नेक्स्ट जर्नी क्या होगी देखो, मैं अभी बात करता हूँ और फिर पता लगाते हैं क्या कहाँ जाना है। ले भाई बरनाला से मोगा रोड पे मैं गया था, तो वहाँ पेट्रोल CNG ख़त्म हो गई थी, तो मैंने सोचा पेट्रोल डलवा देता हूँ, 2 किलोमीटर चलाऊँगा पेट्रोल कूदते, फिर यहाँ CNG पंप भी मिल गया और साथ में पेट्रोल पंप भी मिल गया, अब इसका फ़ायदा ये होगा बरनाला में घुसने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वैसे यहाँ CNG बहुत महंगी है यार, 89 रुपये महंगी है, मतलब 89 रुपये, अरे 897 तो कुछ और है यार, अच्छा 84 रुपये है, 84 रुपये है, क्योंकि सोनीपत में 82 है, संगरूर में 80 है, 1 पैसा कम है, 80 भी बल्कि उससे भी कम है। चलो भाई अपनी घोड़ी होगी तैयार, अब चलते हैं, तो वहाँ पर हैं एक दो ट्रैक्टर विंटेज, उसके बाद फिर अगला रूट नहीं पता कहाँ जाना है, बस इसका पता लग गया था अभी पहुँच जाते हैं, 10 मिनट का रास्ता है, बस इसका ये फ़ायदा होगा मेन CNG पंप का, कोई भाई अगर बरनाला से मोगा रोड पर जाओगे तो टोल से पहले जो गांव है ना उस गांव से जस्ट 200 मीटर 300 मीटर पर बरनाला साइड में CNG पंप है, ये एक अच्छी चीज़ है, जिस तरह बंदे को कोई भाई जाना चाहो बाहर के बंदों के लिए काफ़ी फायदेमंद चीज़ है, बरनाला शहर के अंदर नहीं घुसना पड़ा, बार बार से निकले हो, तो चलो अब चल पड़ा मैं लेकर गाड़ी, और अब पहुँचते हैं संघेड़ा से के पास में कुछ पिंड है वहाँ जाना मेरे को, तो वहाँ दिखाते हैं आप लोगों को, विंटेज चीज़ें हैं उनके पास कुछ एक दो चीज़ें, तो वो दिखाता हूँ। लो भाई मैं जाने लग रहा था रास्ते में, ये मेरे को ना ट्रक मिल गए थे, यहाँ पे 10-11 ट्रक खड़े हैं, एस मॉडल, डी मॉडल,
और टाटा के ही हैं टोटली ट्रक, और एस मॉडल में भी है ना अलग अलग थे कुछ, एक 2103 या 2108 भी था, एक 15 था, एक 1210 था, एक 1510 था, ये लोडिंग है अलग अलग ट्रक हैं वो, इनकी मैंने वीडियो बनाई थी। तो यहाँ रास्ते में मिल गए थे मेरे को, तो वहाँ सोची क्यों ना इनकी एक बार बना लेते हैं भाई, हैं तो अपने बुजुर्ग, वैसे इन ट्रकों ने हमें खाने पीने को बहुत दिया है, रोज़गार भी दिया है, बचपन में देखते थे इन ट्रकों को, जैसे खासकर डंडा मॉडल। अब ये जैसे डॉक्यूमेंट के कारण या पोल्यूशन के कारण गवर्नमेंट के रूल के अकॉर्डिंग क्या होगा भाई, ट्रक जैसे ट्रक है ना, अब गायब होते चले गए रोडों से। अब कुछ बंदों ने इनको संभाल कर रखा है, स्टोर करके रखा है, वो अच्छी बात है। और इस भाई ने जैसे 10 ट्रक रख रखे हैं अलग अलग मॉडल अलग अलग टाइप के, जितना मेरे को पता है ना, इस बंदे ने बड़े अच्छे से रख रखे हैं ये ट्रक अलग अलग मॉडल के अलग अलग टाइप के। तो इनकी वीडियो बनाई थी, बंदा तो नहीं मिल पाया मेरे को, वो बंदा मिलता तो बहुत अच्छा मज़ा आता, क्योंकि उस बंदे की जो फीलिंग्स ऑफ इंपॉर्टेंस है वो ज़्यादा मेरे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थी। और उसने जैसे एक सामने ट्रक खड़ा है और ये यहाँ खड़े हैं, कम से कम 13 ट्रक खड़े हैं यहाँ पर ये, तो इन ट्रकों की वीडियो बनाई थी, रास्ते में मिल के थे तो अच्छा था, बढ़िया था ये भाई। चलो अब नेक्स्ट जर्नी पे चलते हैं भाई, कुछ ना कुछ और ढूंढेंगे आप लोगों के लिए। यहाँ मैं इधर आया था पंजाब साइड में, तो इनकी वीडियो बनाने के लिए, वैसे कोई विंटेज चीज़ें हैं तो अब चलो नेक्स्ट साइड पर चलेंगे भाई, वहाँ पर भी देखेंगे। ये भी खड़ा है एक एस मॉडल वो वहाँ खड़ा है, तो इस तरीके से अलग अलग हैं ट्रक ये। तो अब अपना रथ तैयार कर लेते हैं दोबारा से, और चलो भाई चलते हैं नेक्स्ट जर्नी पे। लो भाई मैं यहाँ पर आया था इस ट्रैक्टर की वीडियो बनाने के लिए, ये है मेसी फर्गुसन 165। तो इसकी वीडियो बनाई थी अभी ओनर के साथ बात करके, और अच्छे से डिटेल में वीडियो बनाएंगे इसकी। और ये 1969 का मॉडल है, काफ़ी बढ़िया ट्रैक्टर, यूनिक चलता, बढ़िया मस्त चलता ये। तो वो चलो अब देखते हैं नेक्स्ट, इसकी पूरी डिटेल में वीडियो बना के प्रॉपर तरीके से बढ़िया वीडियो बनाएंगे इसकी, और देखते हैं भाई अब नेक्स्ट टारगेट क्या होगा।